Dear students, आज हम बात करेंगे the relationship between total utility and marginal utility. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि total utility किसे कहते हैं. Total का मतलब होता है sum. Utility means satisfaction. इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी individual किसी चीज़ को consume करता है, उसमें से जितनी उसको utilities मिलती है number of units के हिसाब से, उन सबको अगर आप add कर दें, तो आपको total utility मिल जाएगी. उसके बाद देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी. चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं. इन टोटल यूटिलिटी जो आपने टोटल कैलकुलेट किया उसमें कितना चेंज आया है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द यूनिट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वो इंडिविजुअल है, लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसमें हमने पिज्जा की एग्जाम्पल ली थी. पिज्जा में अगर एक इंडिविजुअल जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब उसने पिज्जा ऑर्डर किया, फर्स्ट स्लाइस ऑफ द पिज्जा जब उसने कंज्यूम किया तो उसको 10 यूटिलिटी मिली, जब उसने सेकंड कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी हो गई 18. अब 10 से जब 18 हुई, फर्स्ट एडिशनल यूनिट एक उसने कंज्यूम किया तो 10 से 18 हो गई. अब डिफरेंस क्या है, यानी कि चेंज कितना आया है टोटल यूटिलिटी में, कितना चेंज आया है, 8 का चेंज आया है. तो ये जो 8 है ये मार्जिनल यूटिलिटी है. अब एग्जाम में आपके पास इस तरह के स्केड्यूल्स गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, टोटल गिवन होगी तो आपको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करें, अगर मार्जिनल गिवन होगी तो आपसे कहेंगे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करें. अब आइए कैलकुलेट करते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वांटिटी 1 और 10, तो फर्स्ट वाले को हम सेम रखेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है उसमें से प्रीवियस को माइनस कर दें. फॉर एग्जांपल मैं 18 माइनस 10 करता हूं तो मेरे पास आता है 8. फिर 24 माइनस 18 करता हूं तो मुझे मिलता है 6. तो आप यूं कैलकुलेट करते जाएं और आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट होके मिल जाएगी. दिस इज क्वाइट ईजी. अब जब आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज टू प्लॉट दीज वैल्यूज इनटू द ग्राफ. अब इसको प्लॉट करने के दो तरीके हैं. एक, या तो आप एक ही ग्राफ बनाएं, उसी में दोनों टोटल और मार्जिनल को प्लॉट करते हैं. दूसरा तरीका क्या है, दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाएं. आइए देखते हैं. हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे है टोटल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी. दूसरा ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. अब आप जो स्केड्यूल आपने कैलकुलेट किया है उसको देखें. स्केड्यूल में क्या हो रहा है, 10, 18, 24, 28, 30, 28. इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है और वो एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर वो डिक्रीज भी कर रहा है. 30 के बाद देखिए 28 हो गया, डिक्रीज करने लग गया. तो जब हम इसको इसमें प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से हम प्लॉट करें, ये बनेगा कर्व. मार्जिनल को देखें, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. एक पॉइंट ऐसा आता है जीरो भी हो जाता है और फिर माइनस भी हो जाता है. हमें पता है कि ये जो लाइन है ये जीरो की लाइन होती है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है, इससे ऊपर प्लस में वैल्यूज होती है, इससे नीचे नेगेटिव में वैल्यूज होती है. अब आप मार्जिनल को प्लॉट अगर करेंगे तो आप कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी जब आप वैल्यूज प्लॉट करेंगे, मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं डाली, आप इसको करके देख सकते हैं. इट्स क्वाइट इजी. अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, आई प्रिपेयर अ वीडियो फॉर इट अगेन. लेकिन हम आगे भी जाके बात करेंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं ये सब. ये इजी है वैसे. अब देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, मार्जिनल में और टोटल यूटिलिटी में. यहां पे मैंने लिख लिया टोटल यूटिलिटी. फर्स्ट रिलेशनशिप, डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, लिख के ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. ऑब्जर्व करें ग्राफ को और या स्केड्यूल को. जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज. बट बिफोर दैट, इससे भी पहले आपके जो फर्स्ट रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा कि टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, मार्जिनल यूटिलिटीज को एड करने से. देखें कैसे, 10 + 8 = 18, 18 + 6 = 24, 24 + 4 = 28. इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी is the sum of marginal utility. ये first relationship है total और marginal के दरमियान. Second relationship देखें,
जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है तो मार्जिनल डिक्रीज करती है. टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, बट इट इज पॉजिटिव. डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है. सेकंड थर्ड रिलेशनशिप देखें, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो आपकी मार्जिनल क्या हो गई, जीरो. तो इसका मतलब ये हुआ जब आपकी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो. राइट, लुक एट द फोर्थ रिलेशनशिप ऑफ टोटल एंड मार्जिनल. जब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगी है तो योर मार्जिनल यूटिलिटी हैज बिकम माइनस. राइट, तो व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव. दीज आर द फोर रिलेशनशिप्स. एंड द फिफ्थ वन वुड बी कि टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस इन अदर वर्ड्स विद डिक्रीजिंग रेट. तो हम क्या लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी और विद डिक्रीजिंग रेट. तो ये पांच आपके पास रिलेशनशिप्स है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज कॉन्सेप्ट. इस वीडियो को लाइक करें और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं वो भी, और इसके अलावा भी बाकी सारे वीडियोस इस चैनल पे. तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल नदीम अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें. थैंक यू वेरी मच.